इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। भारत के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं है? जहां पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से सियासी नजरिया सोच भी बदल रही हो, कहा तो यह भी जा रहा है कि क्या WHO दुनिया के इंसानों की सेहत का मियार तय करेगी? क्या कोरोना का वैक्सीन बनेगा या नहीं? कभी चाइना के खिलाफ तो कभी अमेरिका के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर अमेरिका में भी लॉकडाउन है और भारत में भी लॉकडाउन है तो सिर्फ रुपया ही क्यों नीचे गिरता जा रहा है, डॉलर क्यों नहीं गिर रहा? चाइना से आने वाले टेस्ट किट पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है वुहान शहर से कोरोना फैला है तो कोरोना का वायरस हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचता है, जबकि करीब बीजिंग शिंघाई में तकरीबन 1,15,00,000 लोग यहां से शिंघाई बीजिंग सफर तय कर चुके थे, फिर कोरोना वहां क्यों नहीं फैला? इसका मतलब यह है कि फैला नहीं बल्कि फैलाया गया है। खैर, भारत की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मामले 80,000 के पार पहुंचे हैं तो 2,600 के करीब मौतें हो चुकी है। अब कोरोना कितना खतरनाक है या इसे खतरनाक बनाया गया है, आने वाला वक्त ही बताएगा। पर क्या भारत सरकार के पास कोई ठोस रद्दअमल है या इसी तरह दूसरों पर उम्मीद लगाए बैठना है? अगर खासकर मोदी हुकूमत जब से आई है, विदेश के सफर तो बहुत हुए हैं पर हमने दूसरे मुल्कों से अच्छे ताल्लुक रखने में कितना कामयाब हुए हैं? वैसे भी लॉकडाउन ने मोदी सरकार के खोखले नारों की पोल खोल दी है। कोरोना ने चीन को महासत्ता बनाने का रास्ता खुला कर दिया है, वहीं भारत के लिए मुश्किलों का रास्ता बनता नजर आ रहा है। दो ही दिन पहले चीन के हवाई जहाज भारत की सरहदों में अंदर तक दाखिल हुए थे। कहने का मतलब यह है कि चाइना भारत से दोस्ताना ताल्लुकात नहीं चाहता, क्योंकि इसके पहले से पाकिस्तान से गहरा याराना है। पाकिस्तान से भारत की दुश्मनी तो दुनिया में मशहूर है, पर क्या वजीर आजम मोदी ने आलमी तौर पर या पड़ोसी मुल्कों को शय देने के लिए जो चाल खेली थी कहीं पूरी तरह से नाकाम तो नहीं हुई? अब तो नौबत यहां तक आई है कि नेपाल भी भारत को आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश के साथ भी हमने कोई बेहतर ताल्लुकात नहीं बनाए, सिर्फ ट्रंप की जी हुजूरी करने में ही हमारी पूरी कुव्वत पूरी ताकत खर्च होती सर्फ होती दिखाई दे रही है। पर कोरोना के बाद कि दुनिया अलग होगी, सियासी मोहरे अपनी जगह बदल चुके होंगे, ऐसे वक्त में भारत कहां होगा? अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पर भी भारत अपनी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में हार चुका है। साबिक भारतीय सफीर गौतम मुखोपाध्याय ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान का अहम सियासी हिस्सा है और भारत सरकार को अफगानिस्तान हुकूमत की तरह मोदी हुकूमत को मान लेना चाहिए। अगर भारत आज भी कट्टर इस्लामी तंजीम के तौर पर तालिबान को देखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लिहाजा तालिबान ने अमेरिका को घुटनों पर लाया है। अफगानी सहाफी समी यूसुफजई का कहना है कि तालिबान के दौर में अफगानी मुजाहिदीन और कश्मीरी मुजाहिदीन अलकायदा भी इसका हिस्सा रहा है और तालिबान भारत में हो रही सियासी सरगर्मियों और मौजूदा मोदी हुकूमत में मुसलमानों पर हो रही ज्यादती पर भी नजर रखे हुए, ऐसा कुछ माहिरीन का कहना है। पर सियासत इस कदर करवट ले रही है कि भारत को किस तरफ अपना रुख साफ करे मुश्किल हो रहा है। वैसे तो भारत ने अफगानिस्तान हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात हैं, पर तालिबान को लेकर मोदी हुकूमत को एतराज है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब अमेरिका, जर्मनी, रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों के साथ तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं तो आखिर भारत के तालिबान से बेहतर रिश्ते ना होने से पाकिस्तान को ही इसका फायदा होगा, जिसका नुकसान भारत को ही उठाना पड़ सकता है। भारत अफगानिस्तान का पुराना दोस्त है, तकरीबन $2 अरब का इन्वेस्ट यानी निवेश किया हुआ है। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान को जिहाद का अड्डा कहा जाता है। भले पाकिस्तान अफगानिस्तान हुकूमतों में कुछ इख्तलाफ सख्त हो, पर तालिबान और तहरीक तालिबान एक ही विचारधारा से है और यही मोदी हुकूमत की परेशानी है। अब देखना है कि भारत के चारों तरफ जहां कोई भी दोस्त राष्ट्र नहीं है, ऐसे वक्त में मोदी शाह योगी अपनी विदेश नीति को कैसे बेहतर बनाते हैं जिससे देश को फायदा हो सकता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।